हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। कीबोर्ड प्लेइंग के ऊपर जो ट्यूटोरियल सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, आज उसमें सीखेंगे सी मेजर स्केल। मेजर स्केल का फॉर्मूला क्या है, साथ आप कोई भी मेजर स्केल बजा सकते हैं। और नाउ वी विल फर्स्ट लुक एट द सी मेजर स्केल, उसके कुछ फिंगरिंग एक्सरसाइजेस हम देखेंगे और उसके बाद इसमें गाना भी हम प्ले करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम लोग सी मेजर स्केल लेकर डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इजी, आपको शायद पता ही होगा। का जो थ्योरी है, इसके पीछे जो हाफ स्टेप होल स्टेप का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पहले बोला था, ये वाले ट्यूटोरियल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे मेजर स्केल का एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोग बना सकते हैं। हम लोग फिंगरिंग एक्सरसाइज में जाएंगे, लेकिन इसके बाद सी मेजर के जो नोट्स हैं, इसको अगर आप देखते हैं और इसका हाफ स्टेप आप डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला जो है ना पता चल जाएगा। आप देखिए, दिस इज माई रूट नोट, है ना, दिस इज माई रूट नोट। अभी यहां से ले दो सेमीटोन छोड़ना है, दो सेमीटोन, वन टू, वन टू। तो कोई भी मेजर स्केल में फर्स्ट नोट से सेकेंड नोट दो सेमीटोन बाद रहता है, सारे सी डी। उसके बाद वापस होल स्टेप, तो ये होल स्टेप वापस दो सेमीटोन छोड़ के ये होल स्टेप, है ना। तो ये हो गया तीन नोट। फॉर्मूला क्या है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। ये वाला पैटर्न आप कोई भी जगह पे कोई भी की से बजा लीजिए, ये हमेशा मेजर स्केल ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले ये होल स्टेप, होल स्टेप, फिर होल स्टेप, होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप। तो ये हो गया होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। पहले दो होल स्टेप हाफ स्टेप, फिर तीन होल स्टेप हाफ स्टेप। ये देखिए, हाफ स्टेप, तीन होल स्टेप, हाफ स्टेप। डी शार्प में देखता हूं, ये डी शार्प है। तो डी शार्प में अगर आप देखते हैं, देखिए, होल स्टेप दो सेमीटोन अपार्ट, फिर होल स्टेप दो सेमीटोन अपार्ट, फिर हाफ स्टेप हाफ सेमीटोन अपार्ट, फिर होल स्टेप दो सेमीटोन अपार्ट, फिर दो सेमीटोन अपार्ट, फिर दो सेमीटोन अपार्ट, फिर हाफ सेमीटोन अपार्ट। इसको अगर आप ए से शुरू करते हैं, ए से अगर देखते हैं, तो देखिए, पहले होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप। तो ये अभी हम लोग सी मेजर में थोड़ा फोकस करते हैं, बाकी के जो स्केल है हम आगे जाके सीखेंगे जरूर। तो सी मेजर के लिए दोस्तों आपको जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने दिया था, अगर आपने वो करा है तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग फॉर यू। ओके, तो आपको हाथ पहले ऐसे रखना है यहां पे, फिर पहले सारेगा। अभी अभी आपको क्या करना है, ये अगर ऐसा जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगा उंगली, आप फिर उसको शिफ्ट ऐसे नीचे से नहीं कर सकते हैं। आपको इसीलिए अभी शिफ्ट कर जाना पड़ेगा, ये दो नंबर मतलब तीन नंबर उंगली पे जब है, उसी टाइम पे आपको नीचे से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जा रहा है ऐसे, डिसेंडिंग नोट, डिसेंडिंग स्केल। अभी देखिए यहां पे खत्म हो गया, तो शिफ्ट ओवर हो रहा है अभी। तो नीचे से जब ऊपर पे जा रहे हैं तो शिफ्ट डाउन हो रहा है, अभी शिफ्ट ओवर, यहां पे हम शिफ्ट ओवर कर रहे हैं। मेट्रोनोम के साथ हमेशा प्ले करना है, जैसा मैं बताता रहता हूं। मेरा टेम्पो जो है 90 में है, आप इनिशियली इसको 60 टेम्पो में प्रैक्टिस करिए। 3 4, टाइम सिग्नेचर इज 4 4, हमेशा याद रखना है, टेम्पो इज 90। 2 3 4, 1 2 3 4, 1। राइट हैंड आपका प्रॉपरली चल रहा है, तो यही चीज आपको लेफ्ट हैंड में भी प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ, लेफ्ट हैंड इज ऑलवेज देयर। ओके,
देखिए दोस्तों, जो जैसा यहाँ पे हो रहा था बिल्कुल मिरर इमेज हो रहा है, सिर्फ उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी फिंगर खत्म हो गया तो शिफ्ट ओवर है ना। अभी यहाँ पे मैं जब असेंडिंग में जा रहा था नीचे से जा रहा था, यहाँ पे ऊपर से आ रहा हूँ, उल्टा है। अभी जब डिसेंडिंग जा रहा हूँ अभी नीचे से शिफ्ट डाउन। आपको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करना है, आप चाहे तो 60 में कर सकते हैं। 2, 3, 4। अभी दोस्तों ये जैसे ही हो जाता है, थोड़ा सा आपको और एक दो फिंगरिंग एक्सरसाइज मैं दे देता हूँ सी मेजर स्केल में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला में हम लोग का जो एक्सरसाइज रहेगा वो बहुत सिंपल है। इंडियन म्यूजिक में इसको जब वोकल म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं हम तो पलटा बोला जाता है इसको। यहाँ पे भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में वैसा पलटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट गिव्स आवर फिंगर अ वेरी वेरी गुड एज। फर्स्ट एक्सरसाइज विल गो लाइक दिस। वेरी इजी। आप बस कैसा है कि अभी ये यहां पे शिफ्ट करना है, यहां पे शिफ्ट करना है, फिर शिफ्ट करना है, फिर शिफ्ट करना। तो ये आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते फास्ट बजा पाएंगे इसको, बहुत इजी है। अगर इनिशियली प्रॉब्लम होता है तो हमेशा मेट्रोनोम 60 से शुरू करिए, ठीक है। 3, 4। तो यही चीज दोस्तों, अगर आप लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो अभी के लिए दाएं हाथ में करने से चलेगा। बट आई विल शो यू हाउ टू प्रैक्टिस इन लेफ्ट हैंड एज वेल। अभी जाते हैं इसका दूसरा जो एक्सरसाइज है वहां पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत इजीली आ जाएगा। ये एक्सरसाइज भी दोस्तों एक पैटर्न में जाता है। पैटर्न क्या है, सी एफ डी ई, यही वाला पैटर्न आपको रिपीट करता जाना है। तो ये भी दोस्तों आपको मेट्रोनोम के साथ ही प्रैक्टिस करना है। 4। अगर आप चाहे तो इसको आप लेफ्ट हैंड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप दाएं हाथ पे बजा लेते हैं दैट इज वेल एंड गुड। दोस्तों ये ट्यूटोरियल में इतना ही था। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आता है, अगर आपने कुछ सीखा है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम लोग एक गाना बजाना सीखेंगे, उसके साथ हम लोग कोर्ट की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस करना है तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं studio9musicproduction@gmail.com पे। और मेरा जो रिकमेंडेड कीबोर्ड लिस्ट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है, आप जरूर उसको चेक करिए। यू कैन बाई एज पर योर बजट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।